नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। साथियों, मैं सरोज कुमार शर्मा, आज मैं आपको शिक्षा विभाग के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट NIC के पोर्टल पर अपलोड करना है और यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का नाम गलत है, तो EPF नंबर नॉट फाउंड आ रहा है, तो कहीं कहीं विद्यालय का नाम गलत आ गया है, तो बहुत ऐसे जगह पे विद्यालय का UDAS भी मैच नहीं कर रहा है। काफ़ी गलतियां हैं इस पोर्टल में, इस कारण से शिक्षा विभाग के द्वारा इस पोर्टल को बदल दिया गया है और एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जो गलतियां हैं उसे आप सुधार करके इस साइट के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हैं, यानी आपका नाम गलत है तो उसे भी सुधार कर लेंगे, आपका UDAS कोड गलत है तो उसे सुधार कर लीजिए, विद्यालय के नाम में गलती है तो उसे सुधार कर लीजिए, यानी कोई भी गलती है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से सुधार करके भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पोर्टल है जिसके माध्यम से आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपको शिक्षा विभाग की पल पल की खबरें मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वह कौन सा पोर्टल है जिससे आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को खोल लेंगे। जैसे देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है और यहां आप टाइप करेंगे nicapp.nic.in/नियोजित, कैपिटल में होगा नियोजित, एन कैपिटल होगा नियोजित, फिर स्लैश, फिर से देख लीजिए क्या टाइप करना है, nicapp.bih.nic.in/नियोजित/, और इसको आप सर्च करेंगे, यही साइट का नाम है। ऐसे में इस वेबसाइट को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसको आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए एक नया वेबसाइट खुल जा रहा है और इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। अब यहां देख लीजिए, ऊपर दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन, तो यहां देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहां क्लिक करके दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो देखिए पोर्टल खुल जाएगा शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहां देखिए सब कुछ बदल दिया गया है, पहले वाला जो पोर्टल था उससे पहले ही आपको नियोजन की तिथि डालनी थी, लेकिन इसमें क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम पहले डालना है, फिर पिता का नाम आपको डालना है, खुद अपने से सेलेक्ट करना है। पहले क्या होता था, EPF नंबर डालते थे तो डायरेक्ट आ जाता था सब कुछ ऑटोमेटिक, अब इसमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं आएगा, आपको अपना नाम भरना है, सही सही नाम भरिए, पिता का नाम भरिए, जिला, प्रखंड, पंचायत, जन्मतिथि सब कुछ आप यहां अपने से भर सकते हैं, सही सही आप अपने से भरिए, यहां तक कि EPF नंबर भी खुद से इसमें भरना है। भर करके आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसके सहायता से आप लॉगिन करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे, तो काफी आसान हो गया, अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अतः आप इस साइट के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आपके सारे समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया गया है, अब कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं इस साइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसका समाधान बताऊंगा और मुझसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।